नहीं नहीं मेरे को मेरे बेड से हटो भाई, ऐसे पैर नीचे करके बैठो, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे कोई मेरे बेड में। प्राइवेसी है भाई, प्राइवेसी तो नहीं है, प्राइवेसी है। और तुम लोगों ने कल जो मेरी प्राइवेसी के साथ किया है ना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप क्या हुआ प्राइवेसी के साथ आपके? मैं कल इस कमरे में सो रहा था और आयुष के कहने पर, नहीं नहीं मेरी मेरी बेडशीट में दी। अरे यार, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीस थिंग्स किड्स। हाँ, जो भी कहना हो आपको कह लो, आप जैसा बनना चाहते हो बन लो। मैं सो रहा था, सोना एक नितांत वैयक्तिक और व्यक्तिगत कर्म है, इट्स अ वेरी पर्सनल एक्ट, है ना, आई एम स्लीपिंग, ठीक है। और मैं कल इतना थका हुआ था कि मैंने चेंज भी नहीं किया, तो मैं जीन्स और कुर्ते में ही ऐसे सो गया, है ना, ऐसे पेट पर पड़ा हुआ बेसुध सो रहा हूँ। और आपके कहने पे मेरा वीडियो बनाया गया इस कमरे में। आप ब्लॉग का मतलब, ब्लॉग का मतलब होता है एक पर्सनल अच्छा, और कैंडिड बात। ब्लॉग का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के ऐसे किसी के सोने को रिकॉर्ड कर लो, तो आप तो प्राइवेसी रहने दो भाई। ठीक है, आपने कह लिया, आप मेरा सुन लीजिए। इनने मुझसे कहा कि आ जाओ सबको बुलाओ, ब्लॉग रिकॉर्ड करते हैं आज का, है हम लोग थके हारे हुए थे, ये भी थके हारे हुए थे, सब लोग थके हारे हुए थे। मैं थका था, हारा नहीं था। अरे ठीक है, भाषा एडिटिंग कुछ देर के लिए रोक देते हैं। थके हुए बहुत सारे लोग, राहगीर आए और यहाँ पे सर सो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि व्लॉग रिकॉर्ड चालू कर देते हैं, देख लेंगे जाग जाएंगे बीच से। सिद्धांत जी के संगीत से चालू किया गया, वो हुआ तब भी नहीं उठे ये, फिर बीच में ये उठे, इनने बोला बहुत कुछ कुछ ये वो, फिर इनने सोचा कि यार दूसरी तरफ कैमरा गया है, एक झपकी ले लेता हूँ, इनने झपकी ली और फिर ये सो गए, और अब ये बता रहे हैं। आपने कहा मैं सो रहा था, मैं सोने के बीच में कुछ बोला उठ के, हाँ। तो तब मुझे ये तो नहीं पता था कि आप इसको रिकॉर्ड करो। मान लीजिए अभी इस वक्त ये बातचीत हो रही है, आप कुछ मेरे बगल में बोल रहे हैं, नींद में आदमी एकदम उठता है ना, कुछ बोल देता है, तो आप लोग कुछ बात करें, सिद्धांत गाना गाओ, तो मैंने उठ के कह दिया हाँ भाई सिद्धांत गाना गाओ, और मैं सो गया। अब मैं सो रहा हूँ, आप ऐसे कैमरा घुमा रहे हो, सब लोग बात कर रहे हो, लेकिन आपने मेरी निजता का तो हनन किया। पहली बात ये, जब मैंने आपको ब्लॉग शूट करने के लिए बुलाया था तो तब मैं जाग रहा था, फिर आप लेट आए, जैसे आज भी आप लेट आए। दूसरी बात, अगर मैंने कहा कि भाई आप मेरे कमरे में शूट कर लो कोई बात नहीं, और फिर मैं सो गया, तो मानवता क्या कहती है, आप किसी दूसरे कमरे में जाके शूट कर लेते हैं। फिर आप कहते मुझे क्यों नहीं लिया, जब मैं सो रहा हूँ तो क्यों कहता हूँ। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मैं रहूँ ना रहूँ, ये कारवां चलता रहना चाहिए। व्यक्ति बड़ा नहीं, विचार बड़ा होता है। महत्वपूर्ण चीज़ है कि ब्लॉग बने, महत्वपूर्ण चीज ये नहीं कि उसमें सौरभ या कोई और व्यक्ति रहे, महत्वपूर्ण चीज ये है कि लल्लन टॉप जमीन की पत्रकारिता करता रहे, विचार व्यक्ति नहीं। ये बहुत हाई लेवल बात चली गई, इसमें हम आपको कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, गौरव जी बताएंगे। तो फिर क्या हुआ वीडियो का? वीडियो का क्या हुआ, डिलीट करवा दी। अरे इन लोग के साथ रह रहे थे यार, पूरा एडिट वेडिट थंब टाइटल तक लग गया था, उसका थंब ये था सौरभ सोए रह गए, मन को कबर्ड में बंद कर दिया, हम लोग ने एक जन को कबर्ड में बंद कर दिया, वो कबर्ड में बैठा था, तो अब ये है गया। और कौन सा वीडियो गया? हालांकि उस वीडियो में मैं भी काफी संशय में हूँ अभी कि उसको अपलोड करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जो मेरा सोने वाला एक्ट है, मतलब मैं इस ऐसी बेड पे सो रहा था, यही रूम था, यही रूम था ऐसे आप, हाँ, तो मैं सो रहा था और ये लोग ऐसे बैठे हुए थे जैसे आज बैठे हुए हैं, पूरा तो पूरा कैमरे में कमरे में कैमरा घूम रहा था। और मसला ये है कि मैं सो रहा था, हालांकि तो उन्होंने जो बातचीत की वो अच्छी थी बातचीत, हाँ, पर उसमें ऐसा ही है ना, ये लोग बोले कि कोई बात नहीं हम आपका पार्ट ब्लर कर देंगे। हमने कहा सर ब्लर करोगे तो पब्लिक सोचेगी ऐसा क्या है, जैसे कहीं डेड बॉडी वगैरह नहीं पड़ी होती है तो होता है कि ब्लर कर देंगे वैसा कुछ। अब निजता भाई, निजता तो ऐसे ही बचाते हैं ब्लर करके, और क्या कर सकते, या फिर हम लोगों ने कि अभी सोचा था कि वहां पे एक स्क्रीन पर टेक्स्ट आ जाएगा और बाकी सब लोग जैसे सिद्धांत जी बोल रहे थे तो स्क्रीन पर टेक्स्ट आ जाएगा कि यहाँ सौरभ द्विवेदी सो रहे हैं, उनकी निजता को ध्यान में रखते हुए हम ये नहीं बता रहे हैं। ऐसे स्क्रीन पर आ जाएगा। लेकिन उसमें भी अब जनता अब क्या बता रहे हैं। अच्छा जी देखो, अभी ओम का फीडबैक आया है, मैंने अभी इंस्टा खोला, भैया थंबनेल ढंग का लगवाओ, ऐसा लग रहा है कि आपको प्रोडक्ट बना दिया यार, उस थंबनेल में सौरभ द्विवेदी काय करते रहते हो, और पब्लिक पता क्या लगता है कि हम करवा रहे हैं, हमसे पूछा भी नहीं जाता है कि किसी भी वीडियो का क्या टाइटल थंब लग रहा है, ये सौरभ द्विवेदी करना बंद कर यार। नहीं उस वीडियो देखिए, उस वीडियो में जो रोचक बात रहती है हम वो करते हैं। अब शायद आप में कुछ चीज ऐसी है कि आप थंबनेल का साइंस तो मत समझाओ क्या, अब तुम थंबनेल का साइंस तो मत समझाओ यार। आपने यही से कहा है कि उस वीडियो में जो रोचक बात है ये हमारे ऊपर डाल
डाल दिया। क्या सिखाए बताओ, क्या सिखाए बताओ? यही की सबसे जो रोचक बात है उसी के बारे में लिखा जाता है। तो ये तो यू तो हम सिखाए हैं कि गुरु आदमी का नाम मत डालो बार बार उसमें। गुरु घटना पकड़ो ना, कौन सी घटना पकड़ोगे? यही तो बात है ना, घटना पे बात करो ना। आदमी का नाम है लगाए जा रहे हो काहे है? अरे तो पता चल जी, देखिए ब्लॉग में मुझे ये लगता है कि पर्सनल कनेक्शन के लिए लोग देखते हैं कि अच्छा ये लोग भी हमारे जैसे हैं ये वो, तो मतलब लोग उसे टच पर्सनल टच बन जाता है। ये सौरभ है या आयुष है, कैमरे वाले सौरभ द्विवेदी अलग हैं, लेकिन ये सौरभ है, ये गौरव है, ये आयुष है, ये सिद्धांत है, तो हाँ मतलब अपने घर के लोग हैं, तो ऐसे कि सौरभ ने ये कर दिया आज, गौरव ने ये कर दिया, तो इस टाइप की चीजें हैं ना, जैसे हम लोग किसी को बताते भी हैं कि, तो वही उसका वो रहता है जो गौरव नाखून चबाते रहे। ऐसा चलाओगे आज इस वाले में? हाँ गौरव कहे नाखून चबा रहे थे। तब तक कितने वीडियो डिलीट करवा चुके हो? हाँ गौरव, हाँ आयुष, कितने वीडियो डिलीट करवा चुके हो? दो फैक्ट्री के, एक ट्रैक्टर का, एक कल रात का, और इस आदमी को पता नहीं इतना चुगत टाइप का आदमी है ना, कुछ भी कर रहा हूं मैं तुरंत वैसे कैमरा लेके, जैसे वो नहीं होते बिल्कुल सस्ते वाले वो वायरल में, शिल्पा जी आप बहुत अच्छी लग रहे हो, स्माइल, ऐसे बनते हैं मुंबई में वीडियो मतलब, हाँ मतलब यार कोई जिम जा रहा है, कोई अपने घर से जा रहा है, क्यों उसको चेज कर रहा है, उसकी कोई प्राइवेसी है? शिल्पा जी नारियल पानी पी रहे हो, वायरल गैरी, मतलब गजब है। हेलो मलका मैडम, मलका मैडम एक बार आए तो बोल दो, मास्क तो नीचे करो। अरे वो बड़ा पॉपुलर है, वो पॉपुलर है तो मतलब मैं आपके साथ ऐसा करता हूं। यानी वायरल, आप जो बोलते नहीं बोलते मैं नहीं डालता हूं ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि नहीं नहीं पर तो रिकॉर्ड के ऊपर तो, अरे मतलब आप मना कर देंगे तो मैं तुरंत बंद कर दूंगा उस चीज को। मुझे लगता है कि देखिए आप जो बातें करते हैं ऑफ द कैमरा भी, कुछ काफी सारी चीजें ढंग की होती हैं जो लोगों को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, व्यवहार से रिलेटेड ना कि सिर्फ जानकारी से रिलेटेड। डिलीट दो हुए हैं, एक तो वो धूप बत्ती और अगरबत्ती वाला हुआ है क्योंकि कुछ कंपनी का एतराज था, कुछ कॉपीराइट और वो सब मामला था, तो वो कुछ लीगल मसला था, उसको फिगर आउट कर रहे हैं। और ट्रैक्टर ये बताइए ट्रैक्टर डिलीट क्यों हुआ, उसमें क्या दिक्कत है? अगर बता देंगे तो फिर ये ट्रैक्टर डिलीट क्यों हुआ का जवाब वही है कि तुम कैसे लेटते हो। हम कैसे लेटते हैं तुम? ये कैसा मतलब वाक्य है, तुम कैसे लेटते हो? हाँ ये होटल में आते ही इतना अश्लील हो जाता ये है। ये मेरी निष्ठा खाना प्रेसाइसली इसीलिए ट्रैक्टर वाला डिलीट हो। ट्रैक्टर में आप कैसे लेट गए, मतलब आप लेटे थे क्या ट्रैक्टर में? नहीं तो निष्ठा सिर्फ लेटने की नहीं होती ना, किसी भी चीज की हो सकती, किसी भी एक्ट में आप प्राइवेट हो सकते हो। मैं ट्रैक्टर पर बैठा हूँ, कुछ बातें कर रहा हूँ, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको बताऊं कान में बताइए अच्छा कान में बताइए से ध्यान आया कि हम लोग जब बेहट में थे किताब की दुकान पे। हाँ और यार क्या ध्यान आया, जब आप तेरा का पहाड़ा नहीं बता पाए थे, उस आदमी लोगों ने कमेंट में कर दिया। तेरा का पहाड़ा सुनाओ, सुना सकता हूँ बट सुनाओ नॉट नेसेसरी। ये जो तुम ये जो मॉरल स्टैंड लेते हो, मॉरल स्टैंड क्या है सुना दो। 13 × 1=13, 13 × 2=26, 13 × 3=39, 13 × 4 लेकिन अब हो गया यार, इतनी देर में सोचा जोड़ लिया ससुर, अच्छा दिया 39 होता 40 41 जोड़ जाड़ के उतनी देर। यार पहाड़ा वहाड़ा क्या है यार, फटाक से 13 का 5 सुना, क्या जरूरत है, क्या काम बताइए? जरूरत तो फिर किसी भी चीज की, ब्लॉग बनाने की भी क्या जरूरत है? अरे हमको तो मजा आ रहा है, तो बस 13 का 5 सुनाओगे, पब्लिक को मजा आएगा, सुनाओ। हम जमूरे थोड़ी, हम जो करते हैं वो मतलब क्या फरमाइशी नगमो कार्यक्रम चल रहा है। एक चीज इसमें दो प्रॉब्लम है। अच्छा पहली प्रॉब्लम ये है कि तुमने ऐसे भाईचारे वाली बातचीत को, किसी के आग्रह को, एक तुमने पावर स्ट्रक्चर दे दिया, हायरार्की एस्टैब्लिश कर दी। अरे भाई 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 ठीक है ना, क्या खेला है, क्या खेला है मैं हार मानता हूँ भाई, शस्त्र वस्त्र वहां कहीं डले हैं, मैं नहीं खेल रहा गेम। ठीक है पावर स्ट्रक्चर हायरार्की, इतने बड़े बड़े शब्द आ गए यार। नहीं मैं क्या तुमने तो लिया ना जमुना, और तुमने फिर कहा कि फरमाइशी नगमे
फरमाइशी नगमे एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है किसी के हुनर की कद्र करने का। जैसे अभी मैं फरमाइश करूंगा और सिद्धांत जी एक अच्छा गाना सुनाएंगे, बहुत बढ़िया, एक थोड़ी अच्छा ट्रांजिशन था, जाओ ले जाओ। नहीं नहीं ट्रांजिशन नहीं, तेरा का पहाड़ा थोड़ा आराम सुनाएंगे। नहीं जल्दी, 13, 26, 39, 52, 65 के बाद ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये पहाड़ा ऐसे नहीं जोड़ रहे हैं यार, तो जोड़ नहीं, मल्टीप्लिकेशन का 13, 13, 26, 13, 39, 13, 54 ऐसे करो। क्या मजा आ गया इसमें, मजा तो माय में आ रहा है ना, करो। नहीं नहीं ये नहीं करेंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं, बताओ हिंदी मीडियम ना उठाओ, 13 एकम 13 याद किया हमने, 13 फिर से करेंगे, फिर से हाँ फिर से करो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 चौके 42, 13 चौके 52, 13 पंजे 65 34 17 आप सुनाइए किसका। हाँ और सुना दिया तो तुम क्या करोगे, बस ये बता दो, मैं सुना दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ 30 तक याद कराए गए थे पहाड़े। 32 का मैंने बोल दिया 30 तक याद कराए गए थे तो 32 का चलिए। अरे यार वो लोग रहते हैं ना जो ऐसे ऐसे करके फटाफट उनको कोई भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन दे दो बता देते हैं। अच्छा वो कान में क्या बोल के गए थे वो कान यार। अच्छा कई लोगों ने पूछा तो मैं बता दे रहा हूँ, तो ये ब्लॉग जो है वो डिलीटेड वीडियोस के बारे में है और कान में क्या बोल गए थे। तो जिस दुकान में अमित की दुकान थी हम शूट कर रहे थे, तो एक दूसरे भाई आए, उन्होंने ये बोला कि सर इनके यहाँ ना कुछ दिन पहले गमी हुई है, किसी का देहांत हुआ है, तो हम लोग जैसे ऐसे बात कर रहे थे, मैं और आयुष हंसी मजाक भी कर रहे थे, हमें तो पता नहीं था, हमने पहले उनसे परमिशन ली थी दुकान वाले भाई से, तो बोले हाँ सर आप बना लीजिए वीडियो, उनसे पूछी भी थी कुछ एक चीज़ें, लेकिन फिर उन्होंने आके बताया तो फिर हमने उस वीडियो को जल्दी से रैप किया। तो ये बात थी, हालांकि जिनकी दुकान थी उनको कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन हमें लगा कि जब सामाजिक रूप से ऐसा लग रहा है, तो बस इतनी बात थी। उन्होंने कहा कि सर इनके यहाँ कुछ दिन पहले अरे लोग पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स ले आए थे कि कोई लोग कुछ भी सोच सकते, लेकिन लोगों ने जो भी पूछा मुझे लगा उसमें से कुछ लोगों की जेन्युइन क्वेरी होगी, इसलिए मैंने बता दिया कि वो जो दुकान थी। उनने पहले मुझे भी बोला था कान में कि इनको बता दीजिए कि ऐसा है, मैंने कहा यार बीच ब्लॉग कैसे बताऊं मतलब इनको, फिर मतलब उनको जब लगा कि ज़्यादा हंसी मजाक हो रहा है और उनके कंफर्ट जोन से बाहर हो रहा है, तो उनने खुद बीच वीडियो में जाके इनके कान में बता दिया था। तो ये था। और जो ब्लॉग डिलीट हुए वो क्यों, जो ब्लॉग डिलीट हुए हैं उसमें एक ट्रैक्टर वाला है, एक मेरे सोने वाला है, दो दुकान वाले हैं और एक ऋषिकेश वाला, जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो एक फ्यूचर प्रोजेक्ट की डिटेलिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो 5 ब्लॉग डिलीट नहीं हुए, मतलब हमने अपलोड नहीं किए हैं अभी, वक्त आने पर बताएंगे क्या उसके वो डाले जाएंगे सर, क्या उसके क्या बोलते हैं, ब्लूपर्स, ब्लूपर्स डाले, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो और सुनो ये वो ये नौटंकी मत करना कि अरे हमको लाइन याद नहीं आ रही है, अरे हम ये नहीं कर रहे, यार एक तसल्ली से ठुमरी सुना दो बढ़िया। तो मैं एंडी बोलने जा रहा था। तो फोन ऑफ हो गया था, सौरभ ने कहा गाना सुनाना है, तो सौरभ के फोन से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, वो वाला फोन ऑफ हो गया है। अब ये भी कहा गया कि भैया फोन है असलहा अपना सब एकदम तैयार रखा करो फील्ड में। तो गाना है ये है राग बसंत है, जो मुझे बहुत पसंद है ये राग, और इसकी बंदिश जो है वो छोटी सी है, वो मैं सुनाता हूँ, उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करेंगे। सरस रंग फूल रहे बगिया न फुलवारियाले, ऋतु बसंत आयो सखे, ऋतु बसंत आयो सखे, बोल रही कोयलिया, सरस रंग फूल रहे। थैंक यू। नहीं 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 यार ये आप ऐसा क्यों करते हो यार,
आप एक मुखड़ा सुना के रोक देते हो। अरे नहीं नहीं प्लीज यार सिद्धांत ऐसे नहीं, अगर मुखड़े सुनाने तो चार सुनाओ। नहीं नहीं ये मुश्किल से चार पंक्तियों की बंदिश ही है। तो फिर आप अलग अलग उसमें गाओगे ना, फिर यही होता है ना बंदिश है, आपने हाँ। चार पंक्तियां सुनाई हाँ। फिर उन चार पंक्तियों को आप अलग अलग ढंग से गाओगे, ठुमरी यही तो है ना। ये ठुमरी नहीं है, ये छोटा ख्याल है, ये ख्याल है। मैं वैसे बोल रहा हूँ ना, छोटा ख्याल भी है। हमने इतने शास्त्रीय लोगों को सुना है जी, है इतने उस्तादों को सुना है, वो यही तो खूबी है ना उसकी। तो आप चार लाइन एक ढंग से सुना दिए, ऐसे नहीं होता। अरे लंबा मतलब सुनाने में ये है ना कि मतलब उतना यार इतने बड़ा सीखा है, कतरना है भैया, हम भी हम कहो हम चरणों में बैठ जाए ऐसे नहीं, तुम्हारा जिक्र मतलब सिद्धांत गुरु ऐसे करके कान पे हाथ लगा कर है। तो फिर सुनो मतलब मुद्दा स्मृतियों का भी है ना, स्मृति भ्रंश है तो। अरे ये शास्त्रीयता के सहारे हमको दंश मत दीजिए, डसिए मत। नहीं मैं लेकिन ये इस व्लॉग में ये वादा करता हूँ कि अगला व्लॉग जो आप सुनेंगे मैं उसमें आपको कम से कम तीन पूरी पूरी बंदिशें और एक ठुमरी सुनाऊंगा पूरी, मतलब इसमें इसमें कोई लाग लपेट नहीं। अगला व्लॉग कब होगा, क्योंकि कल तो हम सब हापुड़ जा रहे हैं। बस कल ही होगा अगला व्लॉग, तो फिर लेके करेंगे, बल्कि टीम के एक दो लोगों को भी बुला लेंगे, महफिल जमा लेंगे। बस महफिल जमा लेंगे नोएडा में। कहाँ पे जमा लेंगे? आपके घर पे। मेरे घर पे क्यों जमाओगे, मेरा तो परसों ऑफ है, तो मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। हम लोग आपका परिवार नहीं है। आयुष वन सौरभ जीरो। चलिए तो अच्छा व्लॉग है, रात हो गई है, सब लोग सोने जा रहा है। ललन टॉप यूपी, ये कंटेंट सिर्फ ललन टॉप यूपी पे मिलेगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो आप ललन टॉप यूपी को सब्सक्राइब करिए, ललन टॉप यूपी का यूट्यूब चैनल, ललन टॉप यूपी का फेसबुक पेज, क्योंकि ये अनएडिटेड अनफिल्टर्ड अनसेंसर्ड कॉन्टेंट सिर्फ ललन टॉप यूपी पे मिलेगा, आपको ललन टॉप पे नहीं मिलेगा। सो इफ यू लाइक दिस कॉन्टेंट डू टॉक अबाउट इट, शेयर, और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि क्या मेरी नींद के इर्द गिर्द बुना गया साजिशों का वो जाल पब्लिक के सामने आना चाहिए। क्या बोलती है पब्लिक, क्या बोलते है, आना चाहिए। उसमें कुछ ऐसा नहीं है, प्राइवेसी बड़े बड़े शब्द लाके सब रुकवा देते हैं चीजें, करिए कमेंट करिए। कंसेंट कोई चीज होती है कि नहीं, कितनी बड़ी डिबेट है कंसेंट की। एक और बड़ा शब्द, किसी के लिए बड़ा आसान है अपने चेहरे पर एक निर्दोष भाव लेकर सामने वाले की जेन्युइन कंसर्न्स को खारिज कर देना। ये कहां से सीखा है तुमने? सॉरी सर। देखिए मौसा को देखिए। अरे मैं समझ रहा हूँ कि क्या हो रहा है। बोलिए ना लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बस समझा तो गुरु की का हो को का हो तो यहाँ मतलब बस सब्सक्राइब कर जा लोगे, लाइक करा, शेयर करा। रहुआ, नहीं रहुआ वाला नहीं गुरु, बिहार वाला नहीं है ये, बनारस वाला है। तो सब्सक्राइब करा लोगन, शेयर करा, लाइक करा, और ललन टॉप यूपी यही पे कुल मिली, कुल माल मत्ता ही विलाग लाई ही, कुल कुल कचोधन एंजे मिली। सब्सक्राइब करा, गुड नाइट। हमारे बीच में अमित भाई को बंगाली भी आती है। बंगाली नहीं यार, बंगाली में तो मैं आमिर।